वेलकम वेलकम और बैक टू माय चैनल कैसे हैं आप लोग मैं बिल्कुल करती आप लोग भी बहुत अच्छा लगा तो आज की इस वीडियो में मैंने क्रिएट किया पीच लुक होप आप लोग को ये वाला लुक अच्छा लगेगा अगर अच्छा लगेगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना कमेंट करके जरूर बताना आप लोगों को ये लुक कैसा लगा तो अभी ज्यादा बात नहीं करते वीडियो तो सबसे पहले हम स्टार्ट करने वाले हैं अपने स्किन को प्रेप करने से तो स्किन केयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मैं आपको हर एक वीडियो में बताती हूँ कि आपको अपनी स्किन केयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तो ज़रूरी नहीं है कि जो जो चीज़ें मैं यूज़ करती हूँ आपको वो वो चीज़ें यूज़ करनी है दैट्स अप टू यू कि आपको कौन कौन से प्रोडक्ट सूट करते हैं या फिर आपके पास कौन कौन से प्रोडक्ट है जो आप अपने डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हो तो जो मैं यूज़ करती हूँ मैं वो यूज़ वही इस वीडियो में यूज़ करती हूँ देन सबसे पहले हम स्टार्ट करने वाले हैं अपने प्राइमर से तो मैं यहाँ पे एन वाई बे का प्राइमर यूज़ करी वन ऑफ़ द बेस्ट प्राइमर है और बहुत प्राइसी भी नहीं है देन यहाँ पे मैं यूज़ करूँगी ये फाउंडेशन इसकी रिव्यू ऑलरेडी मेरे चैनल पर है और आप लोगों ने नहीं देखा तो आप जाके देख सकते हो तो इसे मैं डॉट डॉट करके अपने पूरे फेस पर अप्लाई करूँगी एंड देन ब्यूटी ब्लैंड के हेल्प से इसे ब्लेंड कर दूँगी ब्लेंडिंग बहुत ज़रूरी है आप टाइम लो अच्छे से करो देन यहाँ पे मैं यूज़ करी हूँ ये ब्लू हेवन की कंसीलर लो टू मीडियम कवरेज देती है बिल्कुल हाई एंड कवरेज की नहीं है हाँ एक दो घंटे तीन घंटे के लिए आप कहीं बाहर जा रहे हो तो आप इसे यूज़ कर सकते हो तो मैं इसे अपने पूरे हाईएस्ट पॉइंट पे यूज़ करूंगी देन यहाँ पे मैं ये कंसीलर पैलेट से कॉन्टोरिंग लूँगी कॉन्टोरिंग शेड एंड देन मैं सारे अपने यूजुअल कॉन्टोरिंग एरिया पे लगा लूंगी देन यहाँ पे ब्लश के लिए लिपस्टिक यूज़ करूँगी क्योंकि ठंड का टाइम है आप ज़्यादा पाउडर चीज़ें ना भी यूज़ करो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है आप जितनी क्रीम बेस्ड चीज़ें यूज़ कर सकते हो कर सकते हो उसमें आपको कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती देन यहाँ पे मैं सारी चीज़ों को ब्लेंड कर लूँगी ब्रश के हेल्प से सारी चीज़ों को सेट कर लूँगी मैं ये लैकमे की कॉम्पैक्ट पाउडर से बेस्ट 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 वाला कॉम्पैक्ट है मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है इसमें एस भी है तो आप, आपको ये धूप से भी बचाता है और ठंड में भी एस की ज़रूरत पड़ती है देन यहाँ पे मैं यूज़ करूँगी ये मेकअप रेवोल्यूशन का आई साइडो में से ये पीच कलर लेके अपने पूरे आईलेट पे अच्छे से अप्लाई करूंगी अच्छे से ब्लेंड करते हैं आप टाइम लो ज़्यादा देर का ये आई लुक बिल्कुल भी नहीं है थ्री टू फोर मिनट एक आईज के लिए बहुत ज़्यादा है अब दैट्स अप टू यू कि आपकी ब्लेंडिंग कितनी अच्छी है तो इसे अच्छे से ब्लेंड करेंगे देन यहाँ पे मैं सेम शिमर सा सेम पैलेट में से ये शिमर शेड लेके अपने जस्ट आई लिट पर अप्लाई करूँगी दैट्स इट गाइज ये हमारा आई लुक कंप्लीट हो जाता है लाइनर लगाने के बाद लाइनर एंड मस्कारा लगाने के बाद तो यहाँ सबसे पहले मैं स्टेक वर्की की आई लाइनर लगा रही हूँ और सेम जो शेड मैंने अपने क्रीज़ के लिए अप्लाई किया था वही मैं अपने लोअर लैश लाइन पर अप्लाई करूँगी धन यहाँ पे आपे मैं वेट वाइल्ड की हाइलाइटर लेके अपने पूरे फेस को हाईलाइट कर लूँगी फैन ब्रश की हेल्प से ये है वेट वाइल्ड की आईब्रो पैलेट और बहुत अच्छा पैलेट है गाइज बहुत ट्रस्ट में आप एक बार इसे ट्राई कर सकते हो मैं बिल्कुल भी पाउडर फॉर्म की फैन नहीं थी लेकिन जब से मैंने ये यूज़ करना शुरू किया बिल्कुल मैं पेंसिल्स को भूल चुकी हूँ बहुत अच्छी वाली बहुत ज़्यादा अच्छी वाली ये पैलेट है दैन यहाँ पे सेम जो जो लिपस्टिक मैंने ब्लस के लिए अप्लाई किया था उसे मैं अपने लिप्स पर भी अप्लाई कर लूँगी एज ए लिपस्टिक उसके बाद मैं अपने पूरे मेकअप को फ़िक्स कर लूँगी एक मेकअप फिक्सिंग स्प्रे से ये ब्लू हेवन का मेकअप फिक्सिंग स्प्रे है एंड ये लास्ट में मैं भूल गई थी मस्कारा लगाना तो वो भी क्लिप मैंने ऐड कर ली है दिस इज द फाइनल फिनिश लुक यू गाई इज होप आप लोग को ये वाला लुक अच्छा लगा होगा अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना कमेंट करके जरूर बताने की आप लोगों को ये वाला लुक कैसा लगा बाय बाय मैं मिलता हूँ अपने ने नेक्स्ट वीडियोज़ में